हेलो एवरीवन, आज का जो है हम जो है वोकैबुलरी पढ़ेंगे, जिसमें जो है कुछ ऐसे नाउन्स देखेंगे जिनका यूज जो है सदैव प्लूरल होता है, और इनके साथ हम करते क्या सदैव जो है प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। तो कौन कौन से नाउन्स होते हैं जो हमारा सदैव प्लूरल होता है और उनके साथ जो है प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, जो देखते हैं। जैसे रिचेज, रिचेज का हिंदी होता है संपत्ति, वैभव, औकात। अगर प्रोसीड्स की बात करें आमदनी, लाभ। प्रोसीडिंग्स मीटिंग आदि की कार्यवाही। प्रीमिसेस जमीन, परिसर। आर्म्स ये भिक्षा, भीख। स्पेक्टेसल चश्मा, ग्लासेस। तो इन सब में देख रहे हैं कि हमारा जो है यस या ईयस जो है क्या है जुड़ा है। तो ये जो है नाउन सदैव प्लूरल यूज होते हैं और इनके साथ जो है सदैव प्लूरल वर्ब यूज होता है, जैसे ग्लासेस, चश्मा, बिलियर्ड्स, बाउल्स, अतड़िया, इंस्टेंटीन, आते, इंटरेल्स, आते आतड़ी, गट्स, आते आतड़ी, और ये मूवेबल्स, चल संपत्ति, बिलोंगिंग्स। और देखते हैं वेक्स, वेतन, वैल्यूएबल्स, अनमोल वस्तुएं, थैंक्स, धन्यवाद, टाइडिंग, समाचार, अनल्स, इतिहास, मम्स, गलसुआ, और मिजल्स, चेचक, एडिबल्स, खाने योग्य वस्तु, इटेबल, खाने योग्य पदार्थ, ट्राउजर, पतलून या पैजामा, पाजामा, इसको अभी हिंदी पैजामा हो जाएगा, और सीजर्स, कैंची, सीयर्स, कैंची, गुड्स, वस्तु, स्टॉकिंग, ये संग्रहण, साक्स, मोजे, इन्वायरंस, इर्द गिर्द, सराउंडिंग, वातावरण, हैंड कप्स, हथकड़ी, फेटर्स, बेड़िया, बंधन, ब्रीचेस, पैर में बांधने की पट्टी, ब्रीचेस, ये भी घुड़सवारी की पोशाक होता है, और ये शॉर्ट्स जो होता है हाफ पैंट या जहनिया, अगर ब्राइट्स में तो जहनिया, अंडर पैंट में जहनिया, और ड्रावर्स में तो कच्छ या जहनिया, और निकर्स मतलब घुटने तक का ढीला पैजामा, और आर्म्स की बात करें तो हथियार, पैंटालून, पतलून, और हमारे पास जैसे हो जाएगा टांग, चिमटा, एसेस, राख या भस्म, आस्पिसियस, संरक्षण या तत्वधान, कार्ड्स का हिंदी हो जाएगा ताश, स्केल्स, तराजू, ईवीस, ओरी, ड्रैक्स, कूड़ा करकट, आर्ट मतलब कठिनाई या प्रतिकूल, टूल्स औजार, क्लोज पोशाक, एरियर्स बकाया धनराशि, बाइनोकुलर्स दूरबीन, पिंसर्स सनसी, ब्रेकेबल्स भंगुर वस्तुएं, डूइंग्स कर्म, ग्रीन्स साग सब्जी, नुक्तियाल शादी विवाह संस्कार, द पिक्चर सिनेमा, वेजिटेबल सब्जी, रिमेन्स अवशेष, रुइंस विद अवशेष, द हिमालय, हिमालय पर्वत श्रृंखला, द अल्प्स पर्वत श्रृंखला। तो इस तरह से जो है हमने बहुत सारे नाउन्स लिया जिनका यूज सदैव प्लूरल होता है, और भी हम जो है आगे कुछ नाउन देखें जैसे, और भी नाउन हम देखते हैं जैसे एसेट्स मतलब पूंजी, कैपिटल्स मतलब पूंजी, लिविंग्स जूठन, जूठन जो होता है, पेंटी, कंटेंट्स वस्तुएं, वेटल्स मर्मस्थान, ब्रेंस, ब्रेंस का हिंदी होता है परम परामर्शदाताओं का समूह, फंड्स मतलब होता है मूलधन या माल, लेस मतलब होता है मैल, पाइनियर्स मतलब होता है आगे आगे पैदल चलने वाला सैनिक, या उसी को अन्वेषक कह सकते हैं, अन्वेषक को, सील्स मतलब मुहर, स्टेयर्स सीढ़िया, सेम्बल्स कसाई खाना या बदस्थान, ट्रूप सैनिक, अमेंड्स क्षतिपूर्ति, और ये होता है आरक्यू, आरक्यू पढ़ते हैं अभिलेख, आउटस्कर्ट सीमा, कन्फाइंस सीमा या हद, अप स्टेयर ऊपर की मंजिल, डाउन स्टेयर नीचे की मंजिल, बिलाउस धौकनी, अर्निंग्स कमाई, डिवाइडर्स प्रकार, डिवाइडर्स जो होता है भाग में बांटने वाला, गूगल्स, गूगल्स का ये ध्यान रखेंगे, गूगल्स का जो हिंदी होता है धूप का रंगीन चश्मा, जो हम लोग यूज करते हैं धूप का रंगीन चश्मा, उसको इंग्लिश जो होता है ये गूगल्स होता है, और ड्यूज मतलब शुल्क, चैटल्स सामान, टाइट्स मतलब होता है तंग कपड़े, जो ज्यादा कपड़ा जो टाइट होता है वो तंग करते हैं, तो इसलिए टाइट्स को तंग कपड़े, स्वीपिंग मतलब झाड़न, विक्चुअल्स खाद्य सामग्री, आपसी आपसी क्यूएस अंतिम संस्कार, अबार्डिंग्स देश के मूल निवासी, ड्रेसेस पतलून लटकाने का पट्टा, लोडिंग्स अस्थायी निवास, फायरवर्क आतिशबाज को ही कहते हैं, सेविंग्स बचत संग्रह संचय धन, फारसेप्स डॉक्टरी चिमटा होता है, क्लिपर जो होता है बाल काटने वाले कैंची को, सन ग्लासेस धूप वाले चश्मे को, सूजी जूते होते हैं, कांग्रेचुलेशन बधाइयां, कर्ड्स दही या छेना, इमोवेबल्स अचल संपत्ति, जो जैसे घर हुआ, मकान हुआ, टॉयल्स जाल शिकंजा, और मोन्यूमेंट्स अधिकार पत्र, सनराइज विविध प्रकार की वस्तुओं को एक साथ हम लेते हैं तो उन्हें सनराइज बोलते हैं, इंबर्स अंगारे, मेंस, मेंस मतलब होता है प्रेत आत्माएं, मेंस मतलब प्रेत आत्माएं, थ्यूस मतलब होता है मांसपेशियां, थ्यूस मतलब होता है हमारा मांसपेशियां, और केप्स मतलब हमारा होता है गुफाओं। तो इस तरह से जो है हमने बहुत सारे नाउन्स लिया जो है हमारे प्लूरल यूज होते हैं, और इनके साथ जो है हम करते क्या है प्लूरल वर्ब हम यूज करते हैं, और इन्हीं जो हमने जो है नाउन्स जितने भी हमने जो है लिखा है नाउन्स, उनमें से कुछ जो है हम नाउन्स को छाटेंगे।
इन सब में से जो हमने नाम छटा वो देखते हैं, जैसे हमारे पास ट्राउजर्स हुआ, स्पेक्टेसल्स हुआ, पैजामा हुआ, ब्राइस हुआ, पैंटीज हुआ, पैंट्स हुआ, अंडर पैंट्स हुआ, शार्ट्स हुआ, बैनोकुलर्स हुआ, पिंसर्स हुआ, सीयर्स हुआ, ग्लासेस, सन ग्लासेस, बिलो डिवाइडर, सीजर्स, टांग्स, गूगल्स, टाइट, ब्रेसेस, फारसेप्स, क्लिपर्स एक्सेट्रा। तो इन सब का जो है हमने जो है नाउन उनमें से जो है हमने चुना। तो इन सब का नाउन का अगर हम बात करें तो ये जो है सदैव प्लूरल होते हैं, क्योंकि इनका जो है अगर हम सिंगुलर बनाए तो अपेयर आप से और प्लूरल बनाए तो पेयर आप से। जैसे हम देखते हैं कि इन सब नाउन का अगर हम अपेयर आप ट्राउजर, अब देख रहे हैं कि अपेयर आप हमने लगा लिया तो ये जो है ये सिंगुलर हमने बना लिया, और ये पेयर आप अगर हमने यूज कर लिया तो ये हम देख रहे हैं कि ये हमारा प्लूरल हो गया। अब यहाँ पर हमारा ट्राउजर्स, अब देख रहे हैं हमने कहा कि इनके साथ जो है इन प्लूरल नाउन होते हैं, इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज होते हैं, जैसे हमारे पास प्लूरल नाउन हुआ और इनके साथ हमने प्लूरल वर्ब यूज कर लिया, ठीक। और एक देख सकते जैसे अ पेयर ऑफ स्पेक्टेसल्स हैज बीन फॉर्मड और फ्रेम्ड, और पेयर ऑफ स्पेक्टेसल्स हैज बीन फ्रेम्ड। अब हम देख रहे हैं कि अ पेयर ऑफ से हमने बनाए तो हम जान रहे हैं कि इनको हम सिंगुलर बनाना चाह रहे हैं, तो इस वजह से इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया, ठीक। अब यहाँ इस नाउन को हम प्लूरल बनाए, जैसे पेयर्स आप, ये प्लूरल होता है तो पेयर्स आप हमने लगा लिया, ठीक। स्पेक्टेसल हैव बीन फ्रेम्ड, तो अब ये जो है हम यहाँ हमने प्लूरल यूज कर लिया, हैव यूज कर लिया, और यहाँ हमारे स्पेक्टेसल। तो ये जो है अगर हमने काउंटेबल नाउन का जो है अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाएंगे तो हम करेंगे क्या, अब पेयर आप, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाए तो पेयर्स आप करके इन सब नाउन का जो है हम बना सकते हैं। अब जो देखते हैं कि इन सब नाउन के साथ हम करते क्या हैं, कि इन नाउन के साथ हम नोट में एक सी देख लें कि इन नाउन्स जो हैं, ये सब जो हमारे जो हमने ये नाउन लिया है, इनके पहले हम ए और एन का यूज नहीं करते हैं, बस हम अपेयर आप और पेयर साफ यूज कर लेते हैं, लेकिन इनके साथ, इनके पहले, इन नाउन के पहले हम इंडिफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेकर के समझ ले, जैसे ही हैज बट, जैसे हमारे पास हो जाए एग्जांपल ही हैज बट, ठीक, ही हैज बट क्लोज्ड, सी एल ओ टी एच ई आर, ही हैज बट क्लोज्ड। अब हम देख रहे हैं कि ये क्लोज हुआ हमारा, और इनके पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल यूज नहीं किए, तो इस तरह से जो है हमने जो है आसानी से समझ लिया। और एक रूल जो है और हम देख लें इन्हीं पर, जैसे नोट हमारा सी हो गया और ये नोट एक डी में देख लें कि हमारे होता क्या है कि इन नाउन्स के में से, इन नाउन्स में से अगर हम चाहें कि ये जो है हमारे नाउन्स हैं, अगर इनमें से ये जो है इन नाउन्स में से एस या यस जो है, जहां जहां हमारे यहाँ देख रहे हैं यस यस, इनको हटा करके अगर हम सिंगुलर बनाए तो नहीं बनेगा। इनमें से यस हटा दें, यस हटा दें, या आई ई एस, तो ये वाई वाई में जो है लॉजिकली चीज है। तो इन नाउन्स में से अगर हम एस यस आई एस हटा करके अगर हम अगर इनको सिंगुलर बनाने की कोशिश करें, सिंगुलर बनाने की कोशिश करें तो ये क्या है, संभव नहीं है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए, ये संभव नहीं है। जैसे जैसे देखते हैं योर क्लोज, सी एल ओ टी एच ई आर, योर क्लोज आर टार्न, ठीक। तो इस तरह से इस सेंटेंस में देखते हैं कि योर क्लोज आर टार्न। अब यहां हमारा क्लोज है, अब हम चाहे तो इनको सिंगुलर बनाना तो नहीं बना सकते हैं, या और इनके साथ जो है हम प्लूरल वर्ब यूज कर लेते हैं। और भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास हिज स्पेक्टेसल्स आर नॉट गुड, हिज स्पेक्टेसल्स, एस पी ई सी टी ए सी एल ई एस, हिज स्पेक्टेसल्स आर नॉट गुड। अब इस सेंटेंस में भी हम देख रहे हैं कि ये स्पेक्टेसल्स हटा करके सिंगुलर नहीं बनाते हैं, इनके साथ जो है प्लूरल वर्ब यूज कर लेते हैं। और भी एक एग्जांपल ले लेते हैं एक दो समझने के लिए, जैसे द केव आर नॉट, द केव
हमने जो देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में जो हमने क्या ले लिया, केव हमने ले लिया, ठीक। द केव आर नॉट, केव हमने ले लिया। तो अब यहां जो देख रहे हैं कि क्योंकि हम इनको जो है करेंगे क्या, प्लूरल ही लेंगे, तो ये हो जाएगा द केव्स आर नॉट, द केव्स आर नॉट येट फिनिश्ड, एफ आई एन आई एस एच ई डी। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि द केव्स, इनका जो सिंगुलर नहीं बना सकते, इनके साथ प्लूरल हमने यूज कर लिया। और भी एक सेंटेंस दे सकते हैं, जैसे द हिमालयाज, द हमने यहाँ इनके पहले जो है इंडिफिनिट आर्टिकल मना किया है, जबकि हमने डिफिनिट आर्टिकल लगा सकते हैं। द हिमालयाज, एच आई एम ए एल ए वाई ए, द हिमालयाज, और भी हो जाएगा लाई, ठीक, टू द, इसकी लोकेशन बता रहे हैं, द हिमालयाज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि द हिमालयाज, ये हमारा प्लूरल हुआ, ये प्लूरल वर्ब हुआ। अब इसको देख करके लगता है कि ये प्लूरल वर्ब कैसे हुआ, तो एक चीज जान लें हम इनके लिए कि अगर हम नाउन में, अगर नाउन में एस या ईएस ऐड कर देते हो, ये तो ये हमारा प्लूरल बन जाता है, ठीक। अगर हम वर्ब में करते क्या है, एस या ईएस ऐड कर देते हैं, तो ये सिंगुलर होने जाता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कि नाउन में एस या ईएस ऐड किया तो प्लूरल बन गया, अगर वर्ब में एस या ईएस ऐड किया तो ये सिंगुलर हो गया। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो है एस या ईएस हम नहीं कर रहे हैं, तो ये जो है हमारा प्लूरल नाउन हो गया, और ये हमारा जो क्या हुआ, प्लूरल वर्ब हुआ, क्योंकि हमने एस या ईएस ऐड नहीं किया है। तो इस तरह से जो हमने आसानी से समझा, तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो ये वीडियो देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। आप सभी को नमस्कार।